गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कीर्ति परोहा क्लास 10th जनरल इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। और बच्चों, जैसा कि हमारे इस समय में, इस सत्र में, 2021 के सत्र में नए ब्लूप्रिंट के हिसाब से आपको 30 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आने हैं एग्जाम में, उसके हिसाब से मैंने ये वोकेबुलरी सेक्शन तैयार किया है जिससे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। चूंकि ये जो वोकेबुलरी है ये आपके लेसन्स के बीच से ही दी गई है और मैं चाहूंगी कि इसको पहले आप लेसन समझें और उसके बाद इस वोकेबुलरी को हल करें। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं वोकेबुलरी पार्ट वन। इसको हम दे देते हैं पार्ट वन। बहुत ही सरल है और आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे और एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। कंप्लीट द स्टेटमेंट चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। द बॉय मेड अप हिज माइंड दैट ही वुड सर्वाइव, नॉट स्टार्ट द फायर अगेन, लीव द स्कूल, चेंज द डॉक्टर। ये है अपना द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन से, और उसमें है कि वो बच्चा जब जल जाता है तो वो क्या करता है, अपने माइंड को सेट करता है कि ही वुड सर्वाइव, वो जिंदा बचेगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, द बॉय मेड अप हिज माइंड दैट ही वुड सर्वाइव। साथ में बोलिए मैंने, ताकि आपको बहुत अच्छे से याद होता जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखें। द बॉय इज यूज्ड टू वर्क आउट इन हिज यार्ड बिकॉज ही वॉन्टेड। जो लड़का था जो जल चुका था वो बहुत ज्यादा यार्ड में जाकर के बाहर प्रैक्टिस करता था, वर्कआउट करता था। क्यों? ही वॉन्टेड टू डेवलप लाइफ इन हिज लाइफलेस legs, to climb a hill, to take part in a wrestling competition, to strengthen his arm muscles. वो बच्चा क्या चाहता था? उसके पैर क्या हो गए थे? Lifeless हो गए थे। To develop his life in his lifeless legs. उसके जीवन विहीन पैरों में जीवन चाहता था। Next question देखें बच्चों। The thing that had the body to develop the ability to run was. उस बच्चे के अंदर वो चीज जो उसको दौड़ने के लिए जो चीजें आवश्यक थी वो क्या, किन कौन सी चीजें थी? Belly massage, iron persistence, resolute determination, all of these. इसमें सही चारों चीजें, all of these, सभी चीजें जरूरत थी। Belly massage, उसकी डेली प्रातः मालिश होती थी। Iron persistence, उसकी लोह जैसी दृढ़ निश्चयता। रेजोल्यूट डिटर्मिनेशन मतलब अपराजेय निश्चय क्षमता जो थी उस सब ने उसको दौड़ने लायक बना दिया था। द नेम ऑफ द लिटिल डिसेबल्ड बॉय हु लेटर रन द वर्ल्ड फास्टेस्ट माइल इज वीड। यहाँ पर उस बच्चे का नाम बताइए जिसने दुनिया के सबसे तेज धावकों में से एक हो गया जबकि वो कैसा था, डिसेबल था। तो यहाँ पर नाम है फेटे सैम्प्रास, डॉक्टर ग्लेन कनिंगम, बेन जॉनसन, डियागो माराडोना। तो यहाँ पर वो जो बच्चा था जो जल चुका था, डिसेबल्ड बॉय था, उसका नाम था डॉक्टर ग्लेन कनिंगम वाज द बॉय जिसकी रेजोल्यूट डिटर्मिनेशन ने उसको दौड़ने लायक विश्व का धावक बनाया। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर टू। अब देखते हैं एक्सरसाइज नंबर टू। गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, मतलब दिए गए इसके लिए एक शब्द लिखना है हमको। अ रूम फॉर वन और मोर प्रिजनर्स इन अ प्रिजन और पुलिस स्टेशन, मतलब पुलिस स्टेशन में और जेलों में एक ऐसा कमरा जहां पर कैदियों को रखा जाता है उसको क्या कहते हैं? वन वर्ड में अगर हम कहें तो सेल, CELL, सेल, जहां पर कैदियों को रखा जाता है प्रिजन में उसको सेल यानी कमरा कहा जाता है। एक कानूनी कार्रवाई के दौरान किसी व्यक्ति को मारना, जान से मार देना, ऐसे एक्ट को क्या कहते हैं? एग्जीक्यूट, EXECUTE, एग्जीक्यूट। फिर से बोलूं, द एक्ट ऑफ किलिंग समबडी स्पेशली एज लीगल पनिशमेंट दैट इज एग्जीक्यूट, EXECUTE। थर्ड देखो, अ पर्सन हु सफर्स वेरी मच और इज किल्ड बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियस पॉलिटिकल बिलीफ्स। एक किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा यातनाएं दी जाएं
या फिर उसको मार डाला जाए क्योंकि वो धार्मिक रूप से या राजनीतिक रूप से विश्वास के दौरान इतना ज्यादा समर्पित रहे। तो उसके दौरान यदि कोई व्यक्ति मारा जाए तो उसको कहते हैं मार्टियर, यानी शहीद, MARTYR, शहीद हो जाना उस एक्ट को, उस व्यक्ति को। चौथा देखो, अ वर्ड और फ्रेज दैट इज इजी टू रिमेम्बर यूज्ड बाय पॉलिटिशियंस, एडवर्टाइजर एटसेट्रा इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट पीपल्स अटेंशन। एक कोई ऐसा शब्द या कोई ऐसा फ्रेज या शब्दों का संग्रह जिसको हम आसानी से याद रख सकें, जो कि अधिकतर राजनेताओं द्वारा और विज्ञापनकर्ताओं द्वारा निकाला जाता है जिससे कि लोगों का ध्यान वहां जा सके, उसको क्या कहते हैं? स्लोगन, नारे। नारे क्या होते, स्लोगन क्या होते, इजीली याद रहते हैं, लोग उनको याद रखते हैं, तो स्लोगन आएगा यहाँ आंसर। स्लोगन का स्पेल है SLOGAN, स्लोगन। बी देखो, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड फिल इन द ब्लैंक्स, आप सही शब्द को भरिए। राजगुरु एंड सुखदेव रिफ्यूज्ड टू, राजगुरु और सुखदेव ने मना कर दिया किस चीज के लिए? गो टू द गैलोज, गेट देयर फेसेस कवर्ड, दी हैंड टू कम आउट ऑफ देयर सेल्स। तो राजगुरु और सुखदेव ने मना कर दिया था कि उनका चेहरा ना ढका जाए, तो यहाँ पे आंसर है गेट देयर फेसेस कवर्ड। तो राजगुरु और सुखदेव ने मना किया था, गेट देयर फेसेस कवर्ड यानी उनके चेहरे ना ढके जाएं। सेकंड देखो, भगत सिंह कॉल्ड द मैजिस्ट्रेट, भगत सिंह ने मैजिस्ट्रेट से क्या कहा? अनफॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट, लकी, अनलकी। उन्होंने कहा फॉर्चुनेट, आप भाग्यशाली हैं कि आप हम लोगों को देख रहे हैं फांसी देते हुए। तीसरा देखो, द ब्रिटिश टुक द डेड बॉडीज ऑफ द रिवोल्यूशनरीज टू द बैंक ऑफ द रिवर। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो डेड बॉडी तीनों शहीदों की थी वो कौन सी नदी के किनारे ले गए? आंसर देखो, सुतलज, गंगा, यमुना, नर्मदा। तो सही आंसर है सुतलज नदी के किनारे। चौथा, बाय ऑफरिंग हिज सुप्रीम सेक्रीफाइस टू हिज मदरलैंड भगत सिंह बिकम अ सिंबल ऑफ, अपनी देश भक्ति, अपनी मातृभूमि के प्रति इतना ज्यादा त्याग और समर्पण के कारण भगत सिंह क्या बन गए थे? सिंबल ऑफ प्रोग्रेस, पेट्रियोटिज्म या डी काइंडनेस। इसमें सही आंसर है पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति का एक प्रतीक बन गए थे। एक्सरसाइज नंबर 3 देखें, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। क्रॉल, क्रॉल का अर्थ क्या होगा? रन टू मूव स्लोली या जंप, क्रॉल यानी धीरे धीरे करके, मूव स्लोली, यहाँ आंसर आएगा क्रॉल टू मूव स्लोली। पेवमेंट, पेवमेंट का क्या मतलब होता है? फुटपाथ, पेविलियन, जेब्रा क्रॉसिंग। पेवमेंट का मतलब होता है फुटपाथ, यहाँ पेवमेंट में क्या टिक करेंगे? फुटपाथ पे टिक करेंगे। स्नीज, स्नीज क्या है? ब्रीद, बेल्च, सडनली, सडन एंड नॉइजी रिलीज एयर थ्रू नोज, स्नीज यानी छींकना। तो उसका सही आंसर है सडन एंड नॉइजी रिलीज एयर थ्रू नोज, अर्थात एकदम से, अचानक से नाक के माध्यम से बहुत सारी एयर बाहर जाए, इसको स्नीज बोलते, छींकना जिसको बोलते। मैलिस, विश टू हार्म अदर्स, विश टू हेल्प अदर्स, विश टू प्ले टुगेदर। मैलिस का मीनिंग है दूसरे को नुकसान पहुंचाने का काम करना। स्कैटर का मतलब है स्कैटर, शैटर, कलेक्ट, यहाँ पे सही मीनिंग है स्कैटर। नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस बाय यूजिंग द वर्ड कमिंग इन द टेक्स्ट। इन दो में से किसी एक सही पर टिक करना है। इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ रेगरस प्रैक्टिस, तो यहाँ सही आंसर आएगा रेगरस प्रैक्टिस। दिस गेव अ मैसिव डैश टू हर कॉन्फिडेंस, तो दिस गेव अ मैसिव बूस्ट, किसी के भी आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए बूस्ट बोलते हैं करना। I will never again dash people. I hope you can forgive me. यहाँ पे आएगा I will never again prejudge. Prejudge यानी मैं किसी को पहले से ही जज नहीं करूंगा। चौथा देखो, even the remarks from the teammates only made her more resolute. तो snide, even the snide remark यानी एक व्यंग बाणों वाले जो बाण उसको कर, अपने टीम में, टीम के सहयोगी साथियों से मिले जिसके कारण वो आगे बढ़ पाई। एक्सरसाइज नंबर 5, DTDNP स्टैंड्स फॉर डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन, सच आइटम आर नोन एज एब्रीविएशन।
जब भी हम किसी छोटे छोटे उसमें पॉइंट पॉइंट करके लिखते हैं, DT, D&P, या किसी पॉलिटिकल पार्टी के नाम को भी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, किसी चीज को शॉर्ट फॉर्म में, उनको कहते हैं एब्रिविएशन। मे कंसिस्ट ऑफ लीस्ट 3 एब्रिविएशन नोन टू यू, 3 एब्रिविएशन जो आपको मालूम है उसको बनाना है। जैसे हमने लिखा इंडियन एयरफोर्स, इसका एब्रिविएशन क्या करेंगे, IAF, तो आ जाएगा IAF। अपन ने बनाया नेशनल कैडेट कोर, यहाँ पे CO आ रही, नेशनल कैडेट कोर, यहाँ आ जाएगा NCC, तो हमने लिख दिया NCC। फिर है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, तो हम इसके इनिशियल लेटर ले लेंगे PWD, PWD। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो SBI, तो डिनोटेड हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये है एब्रिविएशन जो आपको आएंगे करने के लिए। अब देखें हम एक्सरसाइज नंबर 6। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, द फर्स्ट लेटर इज गिवन एज क्लू। एक शब्द में हमको सब्स्टिट्यूट करना है इन सारे एक्सप्रेशंस को। पहला है अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, एक ऐसा बच्चा जिसके माता पिता मर चुके हैं उसको क्या कहेंगे, अनाथ। अनाथ को इंग्लिश में कहेंगे ऑर्फेन, ORPHAN। दूसरा देखो द फीलिंग ऑफ हैविंग लॉस्ट ऑल होप, ऐसे मतलब पूरी तरह से निराश होने की जो फीलिंग है उसको क्या कहेंगे, डिस्पेयर, DESPAIR। तीसरा देखो टू टेक अवे समथिंग क्विकली फ्रॉम अ पर्सन स्पेशली बाय फोर्स, किसी व्यक्ति से बहुत तेजी से किसी चीज को छुड़ाना धक्का या बल को प्रयोग करते हुए, तो उसका आएगा स्नैच, SNATCH। जैसे चेन महिलाओं की छुड़ा ली जाती है ना, चेन स्नैचिंग, दैट वर्ड इज उसी से जुड़ा, स्नैच। स्नैच यानी झपट्टा मार के छीनना, फोर्सफुली किसी चीज को छीनना। चौथा टू कंटिन्यू टू कॉज प्रॉब्लम फॉर समवन फॉर अ लॉन्ग टाइम, किसी को लगातार कॉज करना, प्रॉब्लम देना, उसको क्या कहेंगे, हॉन्ट, HAUNT, हॉन्ट। एन ऑब्जेक्ट दैट इज वर्न एज ज्वेलरी, एक ऐसी चीज जिसको हम एज ए ज्वेलरी बना के पहने उसको क्या कहेंगे, आभूषण, और उसको कहेंगे ऑर्नामेंट, ORNAMENT, ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट यानी आभूषण। तो बच्चों ये थे आपके बहुत इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन, और ऐसा नहीं है कि यदि कोई फिल इन द ब्लैंक्स में आया है तो मल्टीपल चॉइस में नहीं जाएगा, तो आपको पर्टिकुलर उससे रिलेटेड आंसर जरूर बहुत अच्छे से याद करके रखना है। थैंक यू।